नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज, प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। भागलपुर में मुहर्रम के 11वीं पर शिया समुदाय के लोगों ने निकाला जुलूस, जंजीरी मातम के साथ पहलाम हुआ संपन्न। मातमी जुलूस के दौरान सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम, रैफ जवानों के साथ पुलिस के वरीय अधिकारी रहे मौजूद। मध्य विद्यालय मैदान से युवक का शव संदिग्ध अवस्था में हुआ बरामद, घटनास्थल पर उमड़ी लोगों की भीड़। बिजली संकट को लेकर लोगों में दिखा आक्रोश, सड़कों पर आगजनी कर घंटों किया प्रदर्शन। और पीरपैथी के टपुआ दियारा में कटाव का कहर जारी, देखते ही देखते सामुदायिक भवन गंगा में हुआ विलीन। और अब खबरें विस्तार से। मुहर्रम के 11वीं तारीख पर बुधवार को भागलपुर में सिया समुदाय की ओर से अलम का जुलूस निकाला गया। जुलूस असानंदपुर बड़ा इमामबाड़ा से निकलकर मुख्य सड़क पर आया। इसके बाद जुलूस में शामिल सिया समुदाय के लोगों ने या हुसैन और या अली के नारे लगाकर जंजीरी मातम मनाया। वहीं छोटे छोटे बच्चों ने भी या हुसैन की सदा लगाकर पूरे शरीर को धारदार चाकू और पारंपरिक हथियार से लहूलुहान कर लिया। जुलूस में शामिल लोगों ने करबला की घटना को याद किया और हुसैन के गम में कलेजा पीट पीट कर मातम मनाया। मातमी काफिले में युवाओं की टोली ने एक से बढ़कर एक नोहा और मरसिया पढ़ा। आइए हम आपको दिखाते हैं सिया समुदाय द्वारा निकाले गए मातमी जुलूस की कुछ झलकियां। वहीं नोहा और मरसिया की आवाज सुनकर लोगों की आंखें नम हो गई और या हुसैन की सदा से पूरा इलाका गूंज उठा। इसके पूर्व बड़ा इमामबाड़ा परिसर में मजलिस का आयोजन किया गया, जिसमें उलेमाओं ने पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत पर प्रकाश डाला। मौलाना फजले हसन ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत अन्याय के खिलाफ लड़ने और सत्य पर चलने की सीख देती है। वहीं मातमी जुलूस मुस्लिम हाई स्कूल दाऊदचक पंखा टोली चौक होते हुए लल्लू मियाँ साहब के इमाम बारा में पहुंचा, जहां सिया समुदाय के लोगों ने एक बार फिर जंजीरी मातम किया, जिसमें बच्चे और युवा के शरीर से खून बहने लगा। वहीं मातमी और जंजीरी जुलूस देखने के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटी रही। इसके बाद निशान और इस्लामिक झंडे के साथ जुलूस साजंगी करबला मैदान के लिए रवाना हुआ। इसके साथ ही भागलपुर में सिया समुदाय का पहला मुहर्रम की 11वीं तारीख को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। इसके पूर्व मौलाना फजले हसन ने कहा कि इस तरह का मातम पिछले 1400 साल से मनाया जा रहा है और रहती दुनिया मनाया जाएगा। जबकि सिया वक्फ कमेटी के जिला सचिव सैयद जीजा हुसैन ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन सच्चाई की राह पर चलकर कुर्बान हो गए। मौके पर सिया यूथ कमेटी के अध्यक्ष सैयद अली, सचिव सैयद रागिब हसन, दिलावर हुसैन, नासिर हुसैन काजमी समेत काफी संख्या में सिया समुदाय के लोग मौजूद थे। मोहम्मद साहब के नवासे हुसैन इब्ने अली, जिन्होंने इस्लाम धर्म के खातिर आवाज उठाई थी, यजीद ने इसको खत्म करना चाहता है इस्लाम का। लिहाजा हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हुसैन ने इसको एक बड़ी कुर्बानी पेश करके बचा लिया। कुर्बानियों में अपने दिल के टुकड़े, अपनी औलाद, अपने भाई सबको कुर्बान कर दिया, अपने बच्चे सबको कुर्बान कर दिया। उनकी कुर्बानी के बाद वो सब जब 3 दिनों के भूखे प्यासे उनके सर काट दिए गए और जुल्म हुए, उनके खेमे जला दिए गए, उनके माल असबाब लूट दिए गए, तो जो बच्चे और औरतें बचे थे उनको कैदी बनाकर गयात बयात मीलों पैदल चलाया गया और कैद खाने में कैद कर दिया गया। इसी याद में ये जुलूस है जो सन 61 हिजरी में पेश आया था, आज सन 1441 हिजरी में भी कायम है और यह कायम है। कल तो 10 मुहर्रम था और 11 मुहर्रम में यहाँ अलम का जुलूस लोगों का निकलता है और इस अलम का जुलूस जो है इमाम हुसैन की शहादत सही हुए 10 मुहर्रम को अपने बाहर के रिश्तेदार और साथियों के साथ
इनकी याद में ये अलम और मातम हम लोग करते जा रहे हैं। सिया समुदाय के पहलाम को लेकर भागलपुर में बुधवार को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मातमी जुलूस के साथ रैफ और जिला पुलिस बल को लगाया गया था। जुलूस में किसी प्रकार का हो हंगामा ना हो, इसके लिए पुलिस पहले ही चौक चढ़ाव पर वाहन चालक को रोक रही थी। वहीं सुरक्षा की मॉनिटरिंग कई थाना अध्यक्षों के साथ सिटी DSP राजवंत सिंह करते दिखे। विसर्जन मार्ग में रैफ जवान जगह जगह मुस्तैद दिखे और पूरे जुलूस को सुरक्षा घेरे में लिए हुए थे। वहीं सिटी DSP राजवंत सिंह ने कहा कि मुहर्रम का पहलाम शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में सम्पन्न हो, इसके लिए कई स्थानों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बलों की तैनाती की गई है। वहीं सिया समुदाय के जुलूस में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाने पर राजद के महानगर सचिव सैयद रागिब हसन ने पुलिस प्रशासन का शुक्रिया अदा किया। मुहर्रम जो पिछली रात था हमारे क्षेत्र में पूर्णतः शांतिपूर्वक भी था, कहीं कोई घटना नहीं घटी। ये आखिरी आज सिया लोगों का कर्बला में जा रहा है जुलूस, मैं खुद हूँ, हमारा सारा फोर्स है, और इसको भी हम लोग शांतिपूर्वक कर्बला तक मतलब शाहजंगी तक पहुँचा। नौगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र पचगछिया गांव में एक स्कूल से युवक का शव संदिग्ध अवस्था में बरामद हुआ। शव मिलने की सूचना मिलते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई और लोगों की भीड़ घटना स्थल पर उमड़ गई। मृतक युवक की पहचान पचगछिया गांव निवासी टुन्नी प्रसाद सिंह के 22 वर्षीय पुत्र ऋषि कुमार के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची गोपालपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुट गई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि बुधवार की सुबह ग्रामीण टहलने के लिए धराराम मध्य विद्यालय पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने बीच मैदान में युवक के शव को देख शोर मचाना शुरू कर दिया। इस दौरान काफी संख्या में लोगों की भीड़ मौके पर उमड़ गई। मृतक युवक नौगछिया JP कॉलेज का छात्र था। वहीं मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। पिछले 3 दिनों से बिजली की समस्या झेल रहे लोगों के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया और लोग सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान लोगों ने गोलाघाट चौक को घंटों जाम कर सड़क पर आगजनी की और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। दरअसल 3 दिनों से गोलाघाट इलाके में बिजली संकट गहरा गया है, जिससे लोगों को पीने के पानी के साथ दैनिक कार्यों के लिए परेशानियां झेलनी पड़ रही है। प्रदर्शन के दौरान लोग बिजली विभाग के रवैये के खिलाफ काफी आक्रोशित दिखे। लोगों का कहना है कि बिजली विभाग के कर्मी ने इलाके की बिजली को नया बाजार फीडर से हटाकर यूनिवर्सिटी फीडर में जोड़ दिया है, जिसके कारण लो वोल्टेज की समस्या बरकरार है। बिजली नहीं रहने के कारण बच्चे भी काफी परेशान हैं। पीरपैंती के टपुआ दियारा में गंगा का कटाव जारी है। बुधवार की सुबह यादव टोला स्थित सामुदायिक भवन देखते ही देखते गंगा में विलीन हो गया। घटना के बाद लोग काफी दहशत में है। ग्रामीणों के अनुसार कई एकड़ जमीन गंगा नदी में विलीन हो चुका है और पंचायत के कई गांव का अस्तित्व भी समाप्त होने की कगार पर है। गंगा कटाव निरोधी संघर्ष समिति के सुनील सौरभ ने कहा कि कटाव रोकने के नाम पर जल संसाधन विभाग खानापूर्ति कर रही है। 5 दिन पूर्व विभाग ने अपना कैंप कार्यालय खाली कर दिया है, जिसके कारण कटाव निरोधी कार्य बंद हो गया, लेकिन ग्रामीण कटाव का दंश झेलने को विवश है। कटाव को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिलेक्ट टीवी। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर, मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, MS ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सिलेक्ट टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर।
मंगलवार दोपहर ताजिया जुलूस में बाइक सवार के टकरा जाने के बाद अकबर नगर में दो पक्षों के बीच तनाव हो गया था, जिसके बाद पथराव और सड़क जाम कर आक्रोशित दोनों पक्षों के लोगों ने जमकर बवाल किया था। इधर सूचना मिलने पर वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती, डीएम प्रणब कुमार, सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज, सदर अनुमंडल अधिकारी आशीष नारायण, डीएसपी निसार अहमद दलवल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों से जानकारी ली। सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय सभागार में डीएम की अध्यक्षता में शांति समिति की आपात बैठक की गई। बैठक में दोनों समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान दोनों समुदाय के लोगों के बीच लंबी वार्ता हुई, जिसके बाद क्षेत्र में अमन व शांति कायम रखने के बाद दोनों पक्षों की ओर से कही गई। डीएम ने अपने समक्ष दोनों समुदाय के लोगों को आपस में गले मिलवाया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए सदर एसडीएम आशीष नारायण ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच समझौता कराकर क्षेत्र में शांति लौटा दी गई है। ताजिया जुलूस के दौरान सभी अखाड़े के वॉलंटियर्स तैनात रहेंगे। वहीं संवेदनशील और अति संवेदनशील जगहों पर पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट की भी तैनाती कर दी गई है। दो दिनों तक क्षेत्र में स्थिति को देखते हुए पुलिस बलों की तैनाती की गई है। भागलपुर के काजवली चक स्थित गांधी शांति प्रतिष्ठान में गांधी जी की 150वीं जयंती को लेकर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में सेंट जोसेफ, माउंट कार्मेल, डीपीएस स्कूल, उर्दू गर्ल्स स्कूल सहित कई विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। आयोजन सचिव संजय कुमार ने कहा कि गांधी जी की 150वीं जयंती पर 5 प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पहले दिन गांधी के चित्र और दांडी मार्च को छात्र छात्राओं ने चित्रकला के माध्यम से प्रदर्शित किया। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राएं गांधी जी के प्रति आकर्षित हो और उनके विचारों को समझे, जिससे सभ्य समाज का निर्माण हो सके। इस मौके पर प्रकाश चंद्र गुप्ता सहित आयोजन समिति के सदस्य मौजूद थे। ये गांधी जयंती प्रतियोगिता हर एक साल गांधी शांति प्रतिष्ठान के द्वारा किया जाता है और इस वर्ष विशेष रूप से हम गांधी जयंती प्रतियोगिता कर रहे हैं, क्योंकि यह वर्ष गांधी जी का 150वां जयंती वर्ष है। इसलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में प्रयास किया है कि ये प्रतियोगिता करवावें, और गांधी प्रतियोगिता में हम 5 तरह की प्रतियोगिताएं करवाते हैं, उसका आज चित्रकला प्रतियोगिता है। पर्व त्यौहार के अवसर पर भागलपुर में शांति समिति, सेंट्रल मुहर्रम कमेटी, पूजा समिति और विभिन्न सामाजिक संगठन के सदस्य काफी सक्रिय हो जाते हैं और इनकी सहभागिता से कई विवाद भी सुलझ जाता है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी समय समय पर इनके साथ कई मौकों पर कदम ताल करता दिखाई देता है। मुहर्रम संपन्न होने के बाद सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के साथ संयोजक महबूब आलम, शांति समिति सदस्य जुम्मन अंसारी और मुहर्रम कमेटी के सदस्य मिंटू कलाकार ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। इस बार जो है 1 तारीख से जो शुरुआत हुई है मुहर्रम की 1 तारीख, उसके लिए सबसे पहले तो मैं नए साल की मुबारकबाद पूरे भागलपुर के आवाम को देना चाहता हूँ। और लगातार सेंट्रल मुहर्रम कमेटी 1 तारीख से लगातार मीटिंग कर रही थी ताकि सभी अखाड़े मोहल्ले के जो हैं अपने अपने सही से निकालें और ये लगातार ये देखें शांतिपूर्ण रूप से छिटपुट घटना को छोड़ दिया गया। तो पूरे भागलपुर के आवाम ने, पूरे खलीफा ने एकदम शानदार तरीके से अखाड़ा निकाला है, कहीं कोई घटना नहीं हुई है। सबसे पहले तो इस्लामी तारीख के मुताबिक नए साल की मुबारकबाद भागलपुर के आवाम को और मुहर्रम सेंट्रल कमेटी और शांति कमेटी की रोल अब मिसाल कायम है पूरे हिंदुस्तान में, जो कि शांति संपन्न मुहर्रम को संपन्न किया। कहीं कोई किस्म की बात नहीं, खास करके हमारे आज कल सुन्नी भाई के थे और सिया समुदाय के मिलजुल करके मुहर्रम सेंट्रल कमेटी बखूबी एवं शांति संपन्न कराने में तत्पर रहते हैं और ये जब से मुहर्रम सेंट्रल कमेटी बनी है शांति समिति का जो है रोल बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ तक के प्रशासन जो है डीएम साहब, एसपी साहब और डीएसपी साहब और एसडीओ साहब कंटिन्यू सेंट्रल कमेटी मुहर्रम के बैनर चले वो बैठे रहे और उनके जो सेंट्रल कमेटी के जो सारे वर्कर थे, जैसे फारूक साहब, महबूब साहब, वर्दी साहब, हम और भी लोग सब थे बहुत सारे इर्द-गिर्द में, वो सारे लोग अखाड़े को कौन सा अखाड़े को आगे निकलना है, कौन सा अखाड़े को पीछे करना है, ताकि एक दूसरे से टकराए नहीं, इसके लिए वो सारा वो सक्षम से काम किए और बहुत शांति का प्रतीक दिया। भागलपुर के बूढ़ानाथ स्थित विवाह भवन में हम पार्टी के सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अशोक रजक ने की। इस दौरान सदस्यता को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा दिए गए लक्ष्य को 20 सितंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें अब तक 3000 सदस्य बनाए गए हैं। जिला अध्यक्ष ने कहा कि भागलपुर में 15000 सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है, जिसे तय समय तक पूरा कर लिया जाएगा। इस मौके पर हम पार्टी के जिला
जिलाध्यक्ष एवं प्रखंड अध्यक्ष मौजूद थे। भागलपुर TNB कॉलेज में बुधवार को गांधी अभिनेता MQ जानी ने मोटिवेशनल लेक्चर दिया। इस दौरान MQ जानी ने 150 से ज़्यादा फिल्म, TV सीरियल और टॉक शो में भाग लेने का अनुभव साझा किया। वहीं छात्र छात्राओं ने भी अभिनेता से कई सवाल पूछे। कार्यक्रम की शुरुआत गांधी के प्रिय भजन वैष्णो जन से हुई। वहीं डॉक्टर राजीव सिन्हा ने कहा कि MQ जानी गांधी जी के चरित्र पर अभिनय करते हैं और वो TNB के ही छात्र रहे हैं। मौके पर डॉक्टर सुमन कुमार, डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार समेत कई शिक्षक मौजूद थे। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। भागलपुर में मुहर्रम के 11वीं पर शिया समुदाय के लोगों ने निकाला जुलूस, जंजीरी मातम के साथ पहला हुआ संपन्न। मातमी जुलूस के दौरान सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम, रैफ जवानों के साथ पुलिस के वरीय अधिकारी रहे मौजूद। मध्य विद्यालय मैदान से युवक का शव संदिग्ध अवस्था में हुआ बरामद, घटनास्थल पर उमड़ी लोगों की भीड़। बिजली संकट को लेकर लोगों में दिखा आक्रोश, सड़कों पर आगजनी कर घंटों किया प्रदर्शन। और पीरपैथी के टपुआ दियारा में कटाव का कहर जारी, देखते ही देखते सामुदायिक भवन गंगा में हुआ विलीन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।